Hey guys, welcome back to my channel MJ Vlogs. So now अभी हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा देवी के एंड अंजलि महादेव के. सो अभी हम लोग जाएंगे निकलेंगे. मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, बाकी सब लोग नहा के रेडी हो चुके हैं एंड अभी हम लोग चलेंगे. सो 10 मिनट्स वेट करते हैं, चलेंगे. सो हे गाइस, अभी यहाँ के आंटी जी लोकल है. हाँ तिलावन जी, थैंक यू. सो गाइस, ये जो है यहाँ की लोकल है, मैंने आपको मिलवाती है. अभी हम लोग निकलने वाले कितनी देर में मम्मा? बस निकल गए, बस 5 मिनट्स लेटर. अभी निकलेंगे, अब करा दी मीट को निकलेंगे. हे गाइस, सो मेरे न्यू फ्रेंड्स मिले. सो हाय, आपका नाम? माय नेम इज प्राजक्ता, मैं मुंबई से हूँ. एंड वन मोर. हाय गाइस, मैं भी प्रकाश राठौड़, मैं भी मुंबई से हूँ. सो अभी निकलते हैं और यहाँ पे प्लानिंग हो रही है सबकी निकलने की, पर अभी निकलेंगे. मेरे पापा है, हाय कर दो. और वो मेरे भैया, और ये मेरे दूसरे भैया, और ये न्यू फ्रेंड्स, एंड ये मेरे न्यू फ्रेंड्स. एक अंदर गया मम्मा. और अब मैं आपको एक और सुनाती हूँ. हेलो भैया, ये है बकरा सिंह. चलो सो अभी हम लोग चलेंगे. चलो आज मैं जब ट्रैकिंग करूंगी ना, आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी. देखो मैं आपको दिखा, ऐसा कुछ ये रास्ता है भाई साहब. अभी ट्रैकिंग करते हुए मैं व्लॉग बनाऊंगी. सीधा हिडिंबा मंदिर और सीधा खाना खाएंगे. अभी हम लोग जाएंगे सीधे हिडिंबा माता के मंदिर, तो चलते हैं. सो गाइस, मैं आपको थोड़ी देर मिलती हूँ ट्रैकिंग के वक्त. ट्रैकिंग के टाइम में आपको ज्यादा दिखा नहीं सकती बिकॉज एंड यस, ये मेरे पापा है और पीछे मेरे भैया है. एंड अभी जो है ना, हमें चलना है तो ट्रैकिंग के वक्त यहाँ मुड़ना ना. अभी देखो ट्रैक कैसा है. ट्रैक देती हूँ, बहुत रिस्की है, ठीक है. तो इसलिए मैं ज़्यादातर दिखा नहीं पाऊंगी, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊंगी बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की. वेट गाइस, गाइस अभी हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए निकल चुके हैं. जैसा मैंने आपको दिखाया वैसा ही है, पर ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी. अरे रुको, तो आपको दिखाती हूँ. नहीं, मैं इसी पे चलूंगी. तो अभी मैं ब्लॉग नहीं करवाऊंगी बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्की जो है ये है ट्रैकिंग. मजा आता है मुझे. और ये देखो वहाँ पहाड़ दिख रहा है, आपको अच्छे से दिखाऊंगी मैं. वो देखो गाइस, बर्फ, मैं आपको दिखा, ये देखो वो रही बर्फ उस पहाड़ पे, एक सेकंड, आइस एंड प्लीज. और यहाँ पे ऐसे. सो अभी हम लोग जाएंगे आगे, प्लीज. हाँ अभी हम लोग जाएंगे आगे, पीछे को बर्फ दिख रही होगी. अभी आगे जाएंगे, तो चलते हैं गाइस. मुझे भाग के जाना पड़ रहा है. ओके सो गाइस, ये देखो चट्टान गाइस, चट्टान माउंटेन. प्लीज मेरे को आगे आने दो. ओके, यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, क्यों और दिखाऊंगी, बट बहुत रिस्की रास्ता है. पहाड़ का मुझे आगे चलने दो गाइस. खड्डा भाई, मम्मा वहाँ से खड्डा आएगा भाई साहब. ये देखो यार, ये ब्यूटी कैप्चर नहीं होती. एक तो अभी बार चलते हैं आगे, यहाँ एक और खड्डा है मम्मे. आधा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी, सांस फूल जाती है. भागना पड़ेगा मुझे शेर. गाइस आपको पता है, एक दो जगह है ना, यहाँ एक भालू आ चुका है. मेरे भैया ने मुझे बताया था, वो सामने दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है, दिख रहा है? वो है ना बहुत पूरा, बस बस भाई. अब गाइस आपको पहाड़ दिख रहा है, मैं आपको ये देखो.
पूरे बीच में बहुत प्यार से पप्पी दिखाया, बट अभी आगे चलते ट्रैकिंग करते करते। यहाँ बहुत ज्यादा रिस्की है, यहाँ पूरी खाई है, बहुत नीचे डीप है, बहुत ज्यादा। मेरे डॉक्टर नहीं आ रहा ना, वेट गाइस। बहुत तेज हवा चल, बहुत तेज हवा चल रही है, वेट। चलो गाइस, ये जो घूम रहे हैं ना यहाँ के, ये लोकल है। सो या ओके। ओ भाई साहब, ये देखो पापा नीचे देख क्या ना। अब गाइस सीधे हमें चलना ही है, और जैसे रास्ता दिखाया है वैसा ही रास्ता है। और इन पेड़ों के अगर टच भी हो गए ना, इतनी खुजली आएगी ना भाई साहब। हाँ ठीक है। और गाइस आपको मैं एक चीज दिखाऊं, अब तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है ना सामने, ये है ना तांग है, ये रोहतांग है। हम लोगों को जो है जल्दी जाना है यहाँ से, कुछ काम आ गया है, तो इसलिए हम परसों चले जाएंगे जयपुर। बट बिकॉज दैट थिंग कि हम लोग रोहतांग जाने का सोचा था, कैंसिल हो गया, बिकॉज वहाँ 7 days रुकना पड़ेगा। सो यार 7 days तो बहुत लेट हो जाए। यूँ दिखाती हूँ, देखो भाई क्या मस्त व्यू है यार। वो देख रहे हो, इतनी ठंड पड़ती है, आप लोग देख सकते हो। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, छोटा कर देती हूँ ठीक है। यार ये जो गाइस ना, जो ये जो आँखों से ब्यूटी दिख, जो ये आँखों से ब्यूटी दिख रही है ना, वो फोटो में या इन सब चीज़ों में नहीं दिखती है, बट ठीक है। एंड किसी को मनाली कहीं जाना हो तो मेरे ब्लॉग्स देखना, आपको सच में डरेगा। कहाँ कहाँ घूमने की जगह है या नहीं है, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ कुछ, देखना है देखो, नहीं देखनी तो मत देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है हम उनको। यार ये ब्यूटी है ना जो आँखों से दिखती है ना, वो रियल लाइफ में तो बिल्कुल कब और कभी भी नहीं दिखेगी, और रियल लाइफ में तो दिखती भी नहीं है। कोई ना कोई मनाली में आओ और ये ब्यूटी देखो ठीक है। सो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, तो पहले रुकते हैं थोड़ा सा। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर से ठीक है, यहाँ से जाना थोड़ा। मैंने आज तो जैकेट ही पहनी, कोई बैग वैग नहीं लिया, बिकॉज दैट थिंग इज भाई यही रहा। ये देखो भाई रास्ता कैसा है, चलते हैं। अब ये एक घर आया है, यहाँ थोड़ा रुकेंगे एंड देन आगे निकलेंगे। अब गाइस थोड़ा डेंजर रास्ता चुका है, कुछ नहीं है मतलब उसमें कुछ है नहीं, बट हवा कितनी चल रही है, कितना मजा आ रहा है। ये देखो अभी हम लोग जाएंगे हिडिम्बा देवी माता के। ये देखो जैकी बैठा हुआ है, जैकी। अभी हम लोग हिडिम्बा देवी के जाएंगे। हिडिम्बा देवी के जाने के बाद हम लोग जाएंगे, हिडिम्बा देवी के जाने के बाद खाना खाएंगे, चलो भाई यहाँ ठीक है। मुझे एक्चुअली इतना अच्छे से रास्ता याद नहीं हुआ है, बट इतना तो हो गया। यहाँ यार स्नेल घूमते हैं, बस स्नेल, बाकी कोई कीड़ा नहीं आता यहाँ पे कोई कीड़ा। फिर देखो अभी अच्छा रास्ता आ चुका है थोड़ा सा, मैं रास्ता देखो ऐसा रास्ता है। यहाँ मनाली में इतनी अच्छी है कि ना, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, मतलब इतने पेड़ मैं कहीं देखूँगी, इतने सारे मतलब जितने मैंने मेरे लाइफ में देखे हैं, या फिर मैंने अच्छे से पेड़ नहीं देखे अभी तक। ओ भैसा ऑफ रोडिंग, ये देखो ये वाले पेड़, और रास्ता अच्छा बना रखा है ये, मतलब ठीक है। अभी लोग आ चुके हैं, अब प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे मिशिका जोधा, मिशिका को प्लीज़ फॉलो कीजिए। एंड एक और चीज़, जो मेरा इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो पर्पल बटरफ्लाई सी गाइस, जो लोग मेरा इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो लोग मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी प्लीज़ देखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, निर्वाणा हमें चेक करती है, हमारी गाड़ी को चेक करती है। ये रही हमारी बाइक पे जेरो, बहुत ज़्यादा था तुम्हें, बट चलते हैं अब। ये मनाली की जो सीरीज है ना, बहुत लंबी है, प्लीज बैठ के देख लेना आराम से। चलो गाइस रुकते हैं,
एंड थोड़ी बाद में आपको ब्लॉक करते हैं गाइस। ऐसी कुछ आगे तक बस सेम टू सेम आगे तक रोड है। मैं आप लोगों को ज्यादा बोर ना करना चाहूँ तो हिडिंबा देवी के पहुंचते ही ब्लॉक शुरू करूंगा। अभी नहीं तो हे गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हिडिंबा देवी के। वाओ माय गॉड, फ्लावर्स देख कितने मोटे मोटे, कितने प्यारे प्यारे हैं। मेन तो हम लोग आए हैं हिडिंबा देवी के टेंपल, तो इसी पे ध्यान देते हैं ज्यादातर। अच्छा सा रास्ता है, हाँ अच्छा रास्ता है। उठा रहा भी निकला। माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है। तो हम लोग जाना शुरू किया है, आ जाओ फोटो खिंचवा रहे हैं दोनों अपनी। देखो, बहुत दिन बाद मैंने ये सारे तो अभी भी यहाँ ट्रैक है, वो बहुत दूर का है। नहीं नहीं, आ गए आ गए आ गए। तो जब वहाँ सामने खड़ी होंगी ना तो मैं तब फोटो खिंचवाती हूँ। टेम्पल 1 2 3, ये देखो कितना प्यारा दिखता है। हम लोग हिडिंबा देवी के टेम्पल पहुंच चुके हैं। अच्छा, मतलब शादी है, दाल चावल और 50 आटे जुटे। अरे लाइफ में थोड़ा टायर्ड। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ रखे हैं हिडिंबा माँ के। आप लोग देखो ही गाइस, सो हमने जो है हिडिंबा देवी माता के दर्शन कर लिए हैं। एंड वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं अंदर नहीं लेके गई, बट अभी हम लोग जा रहे हैं सोलन वैली। हम लोग जा रहे हैं अभी सोलन वैली। हाँ तो मैं आपको ना यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, वो दिख रहा है आपको? रोहतांग, रोहतांग ना।